क्या बे, क्या ईआईआईएन लगा रखा है? देख रहे हो हमारा शेर किस तरीके से दहाड़ मार के आया है। जहां देखो वहीं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहा है। और तुमको क्या लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि टीवी में चमकते चेहरों से बनी है या अखबारों के विज्ञापन से बनी है? ऐसा कुछ नहीं है। खुद सुन लो क्या बोल रहे हैं मोदी जी हमरे। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। सुना सुना क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी छवि टीवी में चमकते चेहरों से नहीं बनी है और ना ही अखबारों में दिए गए विज्ञापनों से बनी है। हमारी छवि बनी है एक एक पल देश को समर्पित कर देने के बाद। इतना त्याग करते हैं हमारे मोदी जी। सोचिए कि हमारे मोदी जी नहीं होते तो इतना जो सारे अखबार देख लीजिए आप, दैनिक जागरण देख लीजिए आप, अमर उजाला देख लीजिए, जितने अखबार, मैं गारंटी करती हूँ, गारंटी जितने अखबार आपके वहां आते हैं उठा लीजिए, अगर आप यूपी में है तो उठा लीजिए, देख लीजिए उस पर सबसे बड़ा पेजवा पे सबसे बड़ा विज्ञापन छपाए कि नहीं छपाए, देख लीजिए, जरा जाइए देखिए। हमारा मोदी जी कभी कहता है विज्ञापन छापो, कभी कहता है, कभी नहीं कहता है, लेकिन फिर भी ये लोग है ना जानबूझ के हमारा मोदी को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन छाप रहे हैं ताकि ये बता सके कि हमारा मोदी विज्ञापन देता रहता है। अब ये वो आंकड़ा आया नहीं था कि वो 64,000 करोड़ वाला आंकड़ा, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 10 साल में 3,000 करोड़ रुपए विज्ञापन में लगे, मोदी जी की सरकार में 8 साल में 6,000 करोड़ रुपए लग गए। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको बताएं, क्या क्या बताएं, ये सब साजिश हो रही है देश के खिलाफ, सब साजिश हो रही है, किसको किसको क्या क्या समझाएं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई आपसे पूछे कि मनोज पांडे चौक कहाँ है तो उससे बता देना कि पत्रकार से आगे जनेश्वर है। हमने पूछा काहे भैया ऐसा काहे बताना है, तो लोग कह रहे हैं कि सब लोग उनसे पूछ रहे थे कि भैया अडानी और अडानी पर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, अडानी पर कार्यवाही कब होगी, अडानी पर ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन वो कह के चल दिए कि कांग्रेस ने कितने घपले कर दिए हैं, कांग्रेस ने कितने घपले कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, देखो हम जानते हैं कि हमारा मोदी जी जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम मतलब एकदम एकदम ऐसा विश्वगुरु। अभी अभी टर्की वाली खबर सुनी आपने, कोई टर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन हम बड़े शेर वाले, बड़े बड़े जिगर वाले, हमने सबसे पहले टर्की की मदद करी, विश्वगुरु बनने वाला है ना हमारा भारत, तो इसलिए हमें मदद तो करनी पड़ेगी। मान लो हीरो आदमी है तो विलेन की भी तो मदद करते आए, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये सभी लोग जो है ना वो जानबूझ के बदनाम किए जा रहे हैं कि मोदी विज्ञापन पे इतना पैसा खर्च करते हैं ये वो। अब वो बात अलग है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि 6000 करोड़ रुपए का विज्ञापन छापा गया है, लेकिन फिर भी क्या पता, हमको क्या पता, टीवी में छपे विज्ञापनों से नहीं हमारा मोदी चमकता है, हमारा मोदी चमकता है प्लास्टिक की बॉटल वाली जैकेट से। समझ में आया क्या? ज्यादा चाय चुकू नहीं, चुपचाप कमेंट में लिखो क्या राय है अपनी।